तो हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कि आहार ही औषध है। चीजें वही पुरानी हैं, हम नेचर से भाग गए हैं, दूर हो गए हैं, तो इसीलिए हम रोगग्रस्त हैं। पेशेंट वैसे तो एक एक टाइम पर आकर तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं ठीक नहीं हो रहा। लेडीज को मेरे हिसाब से तो यही है, पहले अपना ध्यान रखें और उसके बाद। हम खड़े हैं गुड़गांव के हिम्स प्रीमियर हॉस्पिटल में, जो कि डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी जी के कॉन्सेप्ट पे निर्धारित है, खोजे हुए कॉन्सेप्ट पे। और यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है वो है क्योर एट द रेट 72 आवर्स, जो कि जिसमें जगह जगह से 32 पेशेंट्स आए हैं और उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। इस प्रोग्राम में डॉक्टर बिस्वरूप रॉय चौधरी जी ने सिर्केडियम ट्राइंगल के बारे में बात की है। सिर्केडियम ट्राइंगल में उन्होंने बहुत सारी थेरेपीज को अलाइन किया है, जैसे कि 0 वोल्ट थेरेपी, लिविंग वाटर, हेड डाउन टेल थेरेपी, हॉट वाटर इमर्जन थेरेपी, पंचकर्मा थेरेपी और DIP डाइट, इन सब थेरेपीज को अलाइन किया है। और यहाँ पे जो पेशेंट्स आए हैं उन सब ने ये थेरेपीज को फॉलो किया है 3 दिन के लिए। और ये देखा है हमने कि 3 दिनों में ही इन पेशेंट से बहुत अच्छा फर्क पड़ गया है। तो यानी कि आप ये थेरेपीज को जब आप अलाइन करते हैं तो आप 3 दिन में ही बहुत अच्छा फर्क देख सकते हैं। और इसी चीज़ को डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमारे साथ जलंधर के दयानंद कॉलेज, जो कि वहाँ का सबसे पुराना कॉलेज है, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से टीम आई है और वो टीम यहाँ पे स्टडी कर रही है, ऑब्जर्वेशन स्टडी कर रही है ये देखने के लिए कि इस डाइट का और जो इन्होंने थेरेपीज अलाइन की हैं उन थेरेपीज का क्या फ़र्क पड़ रहा है पेशेंट से। तो आइए हम देखते मिलते हैं डॉक्टर्स की टीम से, जलंधर का दयानंद जलंधर कॉलेज, उधर की आयुर्वेदिक कॉलेज, उधर से टीम आई है। ये है डॉक्टर अमन, नमस्कार, और हमारे साथ डॉक्टर प्रभुजो, और ये आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो लोग आए हैं उन्होंने अपने आप में ये जो थेरेपी की है उसमें उनको कितना बेनिफिट मिला है। ये उनकी एक ऑब्जर्वेशन स्टडी है जो इन्होंने की है और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सब बताएं, सर दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज दर्द से है। मैं, मेरा नाम अमन संगरा डॉक्टर और मैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट में हूँ। तो हमारा कोलेब्रेशन हुआ है हिम से, तो मेरे साथ डॉक्टर कब्जोत हैं, ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पर। तो हमारा मोटो यही था कि हम यहाँ आए, देखें कि जो भी ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है क्योर एट रेट ऑफ 72 आवर्स, इसमें हमने ऑब्जर्व करना था कि पेशेंट्स को हम 72 आवर्स के अंदर क्या क्या दे रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, कौन सी थेरेपी दे रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि यहाँ पर सबसे पहले फ्रूट्स दे जाते हैं पेशेंट्स को मॉर्निंग में। तो हमारे आयुर्वेद में बोला गया है कि आहार ही औषध है, मीन्स अगर आप आहार प्रॉपर दे रहे हो तो आपको किसी औषध किसी मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इसके विपरीत जाते हो, अगर आप आहार प्रॉपर नहीं ले रहे मेडिसिन ले रहे हो तो वो मेडिसिन बेकार है। ठीक है, तो वही कंसेप्ट है जो कई बार हम देखते हैं कि हमारे कई प्रोसीजर्स हैं पंचकर्मा में, कई प्रोसीजर हमने पेशेंट्स को बताए हैं, जैसे किसी को नोज की साइनस की प्रॉब्लम हो, नस्या होता है तो उसमें ड्रॉप्स होते हैं, उसकी भी अलग अलग कितनी मात्रा है वो बताई जाती है। फिर बस्ती प्रोसेस है, मात्रा बस्ती होती है और पेशेंट के अकॉर्डिंग कौन सी उसको थेरेपी देनी है। शुरू कुछ होता है कि जैसे हेड के ऊपर थोड़ा सा वो कॉटन का स्क्रैब रखा जाता है, फिर उसको मसाज किया जाता है। कहने मतलब कि चीज़ें वही पुरानी हैं, हम नेचर से भाग गए हैं, दूर हो गए हैं, तो इसीलिए हम रोगग्रस्त हैं, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। ठीक है, तो हम अगर नेचर के पास जाएंगे तो हम सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि 5 महाभूत सभी ने सुने हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु काश। बेसिकली पृथ्वी क्या है, मिट्टी, मिट्टी चिकित्सा। ठीक है, अग्नि क्या है, सन। ठीक है जी, ऐसी वायु है, आकाश फास्टिंग है। ठीक है जी, तो ये 5 महाभूत है, हम इनसे भागते गए, दूर होते गए, मॉडरेशन सिविलाइजेशन में जाते गए, रोगग्रस्त हो रहे हैं। तो आप उसी चीज़ के वापस हम जा रहे हैं, उसी चीज़ को हम वापस लाना चाहते हैं, उसी चीज़ को वापस जा रहे हैं कि लोग नेचर से जुड़ें और वह तंदुरुस्त रहें। वैसे भी आयुर्वेद जो है वो बहुत पुरानी पद्धति है, आयु का वेद, आयुर्वेद मीन्स आयु का वेद। इसके प्रयोजन, प्रयोजन मीन्स इसके क्या कंसेप्ट क्या हैं, इसके कंसेप्ट दो कंसेप्ट हैं आयुर्वेद के, कि रोग कि जो रोगी है उसको रोग से परे करना और जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको स्वस्थ रखना।
ताकि वो स्वस्थ रहे। अगर अगर कोई स्वस्थ है तो वो स्वस्थ रहे, आगे जाके वो रोगग्रस्त ना हो। और अगर किसी को रोग हो भी गया है तो कुछ उसको ऐसा आहार दिया जाए, कुछ ऐसी थेरेपीज दी जाए, जैसे यहाँ पर हमने बहुत कुछ देखा, कितनी थेरेपीज यहाँ पर है, जैसे जीरो वोल्ट थेरेपी आप देख ही रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद आपने देखा होगा कि हॉट वाटर इमर्शन है, उसके बड़े बेनिफिट्स हैं, बड़ी डिजीज़ में रोल प्ले कर रहा है। हमारे पास भी वहाँ पेशेंट आ रहे हैं, हमारा बेसिकली इकोनॉमिकल है वहाँ पर, जैसे प्रीमियम है ना, तो वहाँ पर इकोनॉमिकल है क्योंकि सिटी छोटा है, उस हिसाब से पेशेंट आ रहे हैं। अगर कोई चाहता है कि इकोनॉमिकल उसको ट्रीट लेना है तो वो, हाँ वो हमारे भी जनवरी में स्टार्ट हो जाए, केयर एट 72 हम भी करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में करेंगे। तो उसमें अगर कोई नहीं अफोर्ड कर पा रहा तो वो वहाँ आकर ट्रीटमेंट ले सकता है। यहाँ पर जो लगभग इनके चार्जेस हैं वो 50,000 के आसपास है, वहाँ क्या रहने वाले हमारे? सर अभी एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता, मुझे लगता है काफ़ी कम रहेंगे इससे, जैसे हाफ, ऑलमोस्ट हाफ लगा के चलो आप, क्योंकि इकोनॉमिकल है जी। आपका एक्सपीरियंस यहाँ कैसा रहा? 32 पेशेंट आपके सामने थे, 3 दिन आप उनके साथ समय बिताया, आपको क्या लगता है एक सारे खुश? पेशेंट वैसे तो एक टाइम पर आकर तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि मैं ठीक नहीं हो रहा, पर यहाँ पर जो पेशेंट आए हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ कि हमने ठीक होना है, 3 दिन में ठीक होना कैसे भी। तो लोग कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो 3 दिन में नहीं, पर थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा, पर इन्होंने इतना अच्छी तरह से किया था, हम ठीक हो जाएंगे, उसका रिजल्ट भी उन्हें लग रहा है कि हम आधे तो ठीक हो गए, बाकी घर जाकर उससे भी ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। यहाँ की कितनी थेरेपीज आप अपने हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं और आप यहाँ से क्या नया लेके जा रहे हैं? एक तो ये जीरो वोल्ट थेरेपी पक्का लेकर जाएंगे, बाकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट तो जो होता है हमारा चल ही रहा है, बाकी हॉट वाटर इमर्शन, लोअर लेग इमर्शन, बाकी नेचुरोपैथी में जो लेप वाला अपने कंसेप्ट है वो भी हमारे चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, बाकी ये वाला जो जीरो वोल्ट थेरेपी वो हम पेशेंट के साथ बैठे, पेशेंट का आउटपुट क्या रहा है? मतलब तो आपको सर मैं कई पेशेंट से मिला हूँ, जैसे मिस्टर सुमित है यहाँ, वो आए हैं तो उनको कई प्रॉब्लम थी, वो बताते हैं कि जैसे उनका डाइट अच्छा नहीं था, वो वीक में 5 डेज नॉन वेज देते थे, ड्रिंक करते थे। तो सेकेंडली कहते हमने, मैंने पूछा, कहते हमें माहौल ही ऐसा मिला कुछ पेरेंट्स का या कुछ फ्रेंड्स का कि हम वो चीज़ लेते रहे, पता नहीं था। फिर जब आप थोड़े बड़े हुए, आप तो बच्चे हुए, तो आप लगता है कि नहीं यार हम वो वापस इस चीज़ों को छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ डाइट प्लान देखा, नॉन वेज बंद कर दिया उन्होंने, तो वो बेसिकली अस्थमा के पेशेंट थे वो शुरू में। बताते हैं कि मैं स्टीरॉइड ले रहा था, स्टीरॉइड से मुझे और प्रॉब्लम बढ़ती गई, मेरा बीपी हाई रहने लग पड़ा, एक तो प्रॉब्लम्स और होगी। तो अब वो कहते हैं इन्हेलर लेते थे 3 टाइम्स, तो अब इन्हेलर उनका सिंगल टाइम हो गया है, और बीपी की मेडिसिन नहीं ले रहे वो, बीपी की मेडिसिन जैसे उनका बता रहे थे, मैं पूछता रहा उनसे, कहते मेरा 181 ऐसे 100 के करीब बीपी जाता था, तो 170 आ गया उसका बिना मेडिसिन छोड़कर, ठीक है, मेडिसिन खा के उनका 180 रहता था, मेडिसिन छोड़ के उनका बीपी स्लाइटली लो हुआ है 3 डेज में। अगर आप डाइट प्रॉपर लोगे, प्रॉपर आप जैसे फॉलोअप जैसे बताया हमने 3 डेज का जो प्रोग्राम हमने बताया, अगर उस हिसाब से वो मैनेज करेंगे तो मुझे लगता है कि होप कि वो इन मेडिसिन से छुटकारा पा सकते हैं और वह हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ये सेशन यहाँ पर ख़त्म हो गया है, अब ये इन पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने दिया है उन्हें, मतलब घर जाके क्या? जी जी, हमने प्रॉपर उनको ने जैसे डिस्चार्ज समरी होती है उसमें प्रॉपर बताया है कि आपने ये प्रोसीजर जो आप यहाँ किए हैं ये आपने करने हैं, वो कैसे करने हैं, और कौन सा अगर कोई काढ़ा भी लेना है तो उसको कैसे करना है, काढ़ा बनाना कैसे है, अपने थेरेपी कैसे लेनी है, सब कुछ यहाँ पर उनको बताया गया कि आप इंडिपेंडेंटली खुद डॉक्टर बनिए, खुद मेडिसिन लीजिए। जैसे कोई डिप्रेशन का पेशेंट आए, कई पेशेंट्स आते हैं तो उनको बोला सनलाइट जरूर चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद जैसे आपने कोई भी अपने मोबाइल चार्जर जो भी है रूम में नहीं रखने, ठीक है। थर्डली बोला है जैसे आप थोड़ी देर के लिए जमीन से टच कीजिए, ठीक है नहीं, जैसे पुराने लोग करते थे, घास पे चलते थे, ऐसी कई चीज़ें हमने उनको बताई। यहाँ पर बहुत सारे हमने महिला पेशेंट भी देखे, उनके साथ भी बहुत सारी समस्याएं, उनमें से एक दो किस पे? एक तो दीपा मित्तल जी थे, उन्हें रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, बाकी वो डिप्रेशन में भी थी थोड़ी, औरतें अपना ध्यान नहीं रखती, बच्चों के पीछे ही बाकी रहती, बच्चे घर बार ये सब कुछ। तो अभी वो खुद 50 ईयर्स की हो गई है, अब उन्हें समझ आ रहा है कि मुझे अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, मैंने 4-5 साल डिप्रेशन में रहकर अपना इतना टाइम खराब कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब वो 50 ईयर्स की होकर अब वो बात समझ रही है कि मुझे अपने आप पर ध्यान देना है और मैंने ठीक होना है अभी। तो लेडीज़ को तो यही होता है कि मेरे बच्चे ठीक है, मेरे घर वाले ठीक है, दे सकते। तो लेडीज़ को मेरे हिसाब से तो यही है, पहले अपना ध्यान रखें और उसके बाद बाकी सब, अगर वो खुद ठीक रहेंगी तो फिर बाकी सबका ध्यान रख पाएंगे।
क्या वो अब ठीक हैं? हाँ बिल्कुल, वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैंने ठीक होना है, मैं ठीक हूँ, मुझे 50% तक फर्क पड़ गया, अभी मैं घर से जाकर भी सब कुछ करूँगी तो मैं ठीक हूँ। 3 दिन पहले जो पेशेंट थे वो जिस हालत में थे, आज उनको आप उसको परसेंटेज में कितना हालत? हाँ अलग अलग पेशेंट का अलग पैरामीटर है सर, कईयों को तो 70% तक फर्क आ गया, कुछ होंगे को कहेंगे कि 20% है, ठीक है, तो ओवरऑल आप 60% करके देख लो, बाकी तो जो डाटा आएगा वो तो आपके साथ शेयर हो ही जाएगा ना, आपका नहीं बता सकते। आपका पाना है लगभग 60% आपने लोगों को यहाँ ठीक कर दिया है, तो बाकी तो पेशेंट पे आपने बात की होगी ना, तो आपको पता चल जाएगा, बाकी जो डाटा आएगा वो तो शेयर होगा आपके साथ। आप अपने जीवन में बहुत सारे पेशेंट देखते आ रहे हैं क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप एक फाइनल मैसेज क्या लोगों को देना चाहेंगे जिससे कि लोग बीमार ना हो, जिससे लोगों को इन परेशानियों में आना ही ना पड़े? सिंपल सा सर, जैसे हमारे बुजुर्ग या पेरेंट्स या दादा दादी करते रहे हैं, ठीक है जी, नेचर से जुड़े थे, नेचर से जुड़ो, बस भाई यही मैसेज मेरा, नेचर से जुड़ो, जो 5 महाभूत हैं उनके सारे चलो, ठीक है जी, तो लाइफ को सिंपल बनाओ, सिंपल सिंपलिसिटी में रहो, अब खाने पे प्रॉपर ध्यान दो, जो नेचुरल वेजिटेबल सीजनल फ्रूट्स हैं वो ही खाएं, तो हंसते रहें, मुस्कराते रहें, गुनगुनाते रहें। थैंक यू सो मच सर, ये जलंधर से आए डॉक्टर थे और इन्होंने कहा है कि अगर आप ट्रीटमेंट यहाँ से ले चुके हैं, ठीक हो गए हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ लगता है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर आप एक इकोनॉमिकल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो जलंधर हॉस्पिटल में भी आ सकते हैं। सर एक बार अपने हॉस्पिटल का एड्रेस और बताएं। हाँ जी, हमारा हॉस्पिटल का नाम है दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जलंधर। जलंधर एक बहुत छोटा सा सिटी है, आप बस स्टैंड जाओगे तो आप बोलो हमने दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज जाना या DAV कॉलेज जाना, सिंपल, तो आपको हार्डली वो 15-20 मिनट आधा घंटे में वहाँ पहुँचा सकते हैं। जलंधर सिटी है आपको क्या, तो हाँ जी गुड सिटी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।